नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं एमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज से 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को लगनी शुरू हो गई बूस्टर डोज। 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर और बीमार बुजुर्गों को भी लगेगा तीसरा टीका। एहतियाती खुराक के लिए कोविन ऐप पर किया गया बदलाव, जुड़ा तीसरे डोज का फीचर, ऑनलाइन और ऑफलाइन होगी बुकिंग। पीएम मोदी ने कोरोना संक्रमण के बिगड़ते हालात पर की समीक्षा बैठक, किशोरों के टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के जारी किए निर्देश। जल्द मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, कोरोना की रोकथाम के लिए सख्त पाबंदियों की बताई जरूरत। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का दिया निर्देश। काशी विश्वनाथ धाम में अब नंगे पांव ड्यूटी नहीं करेंगे सुरक्षा कर्मी, ठंड को देखते हुए पीएम मोदी की पहल पर दिल्ली से आए विशेष जूते। भारत सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की शुरू की 9वीं सीरीज, खरीदारी के लिए 14 जनवरी तक कर सकेंगे आवेदन। उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी से फसलें हुई तबाह, 11 और 13 जनवरी तक बारिश का येलो अलर्ट जारी, बढ़ेगी ठिठुरन। मीडिया से बात करते हुए सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, बोले 12 बजे सोकर उठने वाले कुछ लोग जिंदगी भर रहते हैं बबुआ। यूपी भाजपा चुनाव समिति की पहली महत्वपूर्ण बैठक आज, डिजिटल प्रचार, घोषणा पत्र और प्रत्याशी चयन पर होगी चर्चा। हरित हाइड्रोजन का उपयोग कर खाद और डीएपी का होगा उत्पादन, आत्मनिर्भर भारत के लिए केंद्रीय रसायन मंत्री ने दिए निर्देश। आजादी के बाद केंद्र सरकार ने पहली बार रक्षा भूमि का किया सर्वे, 3D मॉडलिंग, ड्रोन और उपग्रह जैसी नई तकनीकों का हुआ प्रयोग। कर्फ्यू पास मांगने पर कार सवार युवक ने पुलिस कर्मियों पर चलाई गोलियां, दिल्ली पुलिस ने 2 महिलाओं सहित युवक को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 8 घंटे से अधिक चली मुठभेड़, सुरक्षा कर्मियों ने 2 आतंकियों को किया ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। मेडिकल सीटों के लिए 12 जनवरी से शुरू होगी नीट पीजी काउंसलिंग, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी जानकारी। 14 जनवरी को होगा वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन, आयुष मंत्रालय ने लोगों को सूर्य की महिमा बताने के लिए बनाया प्लान। कर्नाटक में प्रतिबंधों के बावजूद कांग्रेस ने शुरू की मेकेदातु पदयात्रा, सीएम बोम्मई की कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी। 5 चुनावी राज्यों में टीकाकरण प्रमाण पत्र पर नहीं होगी पीएम की तस्वीर, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने उठाया कदम। जनवरी के अंतिम सप्ताह में होने वाले बजट सत्र से पहले कोरोना का साया, 4 दिन में लोकसभा और राज्यसभा के 400 से अधिक कर्मचारी संक्रमित। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से करेंगे चर्चा, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने और कोरोना के रोकथाम पर होगी बात। बीते 24 घंटे में कोरोना के लगभग 1,80,000 मामले आए सामने, 146 की गई जान, दिल्ली में गत सप्ताह के मुकाबले 9 गुने बढ़े मामले। बिहार में विदेश से आए 32 लोगों की जांच में 25 में ओमिक्रॉन की पुष्टि, खतरे को देखते हुए राज्य में बढ़ाई गई कोरोना जांच रफ्तार। दिल्ली पुलिस के PRO ACP समेत 300 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित, महाराष्ट्र में 114 पुलिसकर्मी संक्रमित, 2 ने गंवाई अपनी जान। केरल के कारुकाचल में चल रहा था पत्नियों की अदला बदली का खेल, एक आरोपी की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने 7 को किया गिरफ्तार। थरूर ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष के लिए फिर नए शब्द का किया प्रयोग, एनोक्रेसी शब्द लिखकर सरकार को बताया लोकतंत्र में निरंकुश सरकार। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से अब तक 1,50,000 ने गंवाई जान, बोरिस जॉनसन बोले जिम्मेदारी तय करने के लिए होगी सार्वजनिक जांच। बुल्ली बाई के बाद अब सुल्ली डील्स पर शिकंजा कसेगी पुलिस, मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने के लिए रची गई थी साजिश। समुद्र में परीक्षण के लिए उतारा गया भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट, गहरे समुद्र में जटिल अभ्यास के लिए INS विक्रांत को किया जा रहा है तैयार। हिमंत बिस्वा सरमा ने तेलंगाना CM KC राव पर साधा निशाना, बोले इंदिरा जैसी तानाशाह को भारतीयों ने समुद्र में फेंका, अब इनकी बारी। अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका कांग्रेस में हुई शामिल, मोगा से चुनाव लड़ने की संभावनाएं तेज। विख्यात कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर चंद्रशेखर पाटिल का निधन, कलबुर्गी की जान लेने के विरोध में की थी अवार्ड लौटाने की घोषणा। विधायक सुरेंद्र सिंह ने ओम प्रकाश राजभर को बताया राजनीतिक लोमड़ी, बोले ओम प्रकाश को कोई भी पार्टी जहां बुलाए वहां चले जाते हैं। आज से 5 शहरों में ड्रोन से खाना पहुंचाएंगी कुछ कंपनियां, OTP के जरिए स्मार्ट लॉकर खोलकर खाना ले सकेंगे ग्राहक। रेलवे ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जारी की नई गाइडलाइन, वैक्सीन की 2 डोज लगने के बाद ही ट्रेन में कर सकेंगे यात्रा। तीसरी लहर के चलते बढ़ती पाबंदियों को देख सहमे प्रवासी मजदूर, बदलते हालात को देखकर फिर अपने घरों की ओर लौटने लगे लोग। कर्नाटक में दीप्ति उर्फ मरियम की गिरफ्तारी के बाद लव जिहाद पर चर्चा तेज, IS से संबंध रखने पर हिंदू संगठन चलाएंगे जागरूकता अभियान।
सितंबर 2022 में रिलीज होगी फिल्म विक्रम बेधा। ऋतिक रोशन के जन्मदिन पर उनके किरदार का पहला लुक जारी। जम्मू कश्मीर के सभी शैक्षणिक संस्थानों में जारी रहेगी ऑनलाइन पढ़ाई। आधिकारिक बैठकों के लिए डिजिटल माध्यम का सहारा लेने का निर्देश। नोएडा में दिव्यांगजनों के वोटिंग को ई रिक्शा उपलब्ध कराएगा प्रशासन। जिलाधिकारी बोले मतदान स्थल तक जाने में नहीं होगी कोई परेशानी। देश में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा 26 दिसंबर। गृह मंत्रालय ने गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों के शहीदी दिवस को लेकर की घोषणा। बिहार भाजपा विधायक रश्मि वर्मा ने व्यक्तिगत कारणों को लेकर दिया इस्तीफा। पार्टी ने इस्तीफा वापस लेने का दिया निर्देश। बंगाल के राज्यपाल ने मुख्य सचिव और डीजीपी को किया तलब। शुभेंदु अधिकारी को कार्यक्रम में शामिल होने से रोकने पर मांगा जवाब। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची। विधानसभा की 40 सीटों पर 14 फरवरी को होगा मतदान। पंजाब में सिद्धू ने डिजिटल माध्यम से शुरू किया चुनाव। बोले कांग्रेस की डिजिटल पहुंच राजनीतिक दलों में सबसे ज्यादा। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही एक्टिव मोड में आया संभल प्रशासन। डीएम ने आचार संहिता के कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश। बुलंदशहर में निर्वाचन आयोग ने चिन्हित किए नामांकन स्थल। डीएम बोले जिले में 3070 मतदेय स्थलों पर होगी वोटिंग। बुलंदशहर डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने शुरू किया वैक्सीनेशन विशेष अभियान। बोले 15 प्लस विद्यार्थियों को वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी। बिजनौर की नगीना देहात पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी। जंगल से बेसकीमती लकड़ी चोरी करने वाले 5 सातिर माफिया गिरफ्तार। बिजनौर पुलिस ने मंडावर में चौकीदार की जान लेने का किया खुलासा। फरार बदमाश इंद्रजीत को गिरफ्तार कर महिंद्रा ट्रैक्टर किया बरामद। नडाल ने समर से टूर्नामेंट में बाजी मारकर करियर का जीता नवासीमा खिताब। रोमानिया की सिमोना हालेप ने महिला वर्ग में मारी बाजी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।